अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका जिंदगी विद राहिला। आज मैं आपके साथ लौकी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। इस वीडियो में मैं लौकी चिकन के साथ बनाऊंगी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे चिकन खाना पसंद करते हैं, वरना आप लौकी को बीफ के साथ या मटन के साथ भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियोज में मैं आपके साथ उन रेसिपीज को भी शेयर करूंगी। चले तो जी इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो लौकी ली है, जिसको मैंने इस तरीके से छील लिया है। इन सबको मैं इस तरह से पीसेस में कट करूंगी। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैं लौकी डालकर एक जग पानी का, 2 चाय के चम्मच नमक, 3 से 4 अदद टमाटर, 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया और 5 चम्मच ऑयल डालकर इसको कवर करके तेज आंच पर रख दूंगी। आधे घंटे के बाद इसमें 2 चाय के चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च और 1/2 किलो चिकन डालकर इसको कवर करके रख दूंगी। तकरीबन इसको 1/2 घंटा हो चुका है और लौकी अच्छी तरह गल चुकी है। अब इसमें मैं हरा धनिया और 2 चाय के चम्मच चाट मसाला डालकर मिक्स करूंगी। चुटकी भर पीसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालकर हल्की आंच पर इसको 2-3 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। अब हमारी जायकेदार और मज़ेदार लौकी चिकन तैयार हो चुकी है। अब आप मेरी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर पर बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि मेरी ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताएं कि मैं आपके साथ अगली रेसिपी कौन सी शेयर करूं। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर रेसिपी आप तक जल्द पहुँच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।